हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको मिक्सर ग्राइंडर की मोटर का आर्मेचर चेंज करने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर की मोटर का आर्मेचर चेंज करते हैं। देखिए, ये आर्मेचर है, इसकी जो वायर है सारी तारें हैं टूटी हुई हैं। ये आर्मेचर ख़राब है, इसकी तारें सारी निकल गई हैं। अब इसकी जगह हम ये आर्मेचर लगाएंगे। ये कैन स्टार की मोटर है बजाज की, इसमें ये आर्मेचर हम लगाएंगे। और किस तरीके से आर्मेचर को लगाते हैं ये पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से। टॉपसन का ये आर्मेचर है, बढ़िया क्वालिटी का है, ये अच्छी कोर है इसकी। आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि मोटर में आर्मेचर किस तरह से लगाया जाता है, क्या क्या सेटिंग्स इसकी होती हैं। देखिए, पहले आप इसके कार्बन बाहर निकाल लें, दोनों कार्बन, क्योंकि कार्बन नहीं निकालेंगे तो आर्मेचर उसमें टकराएगा। ये कार्बन हमने इसके दोनों बाहर निकाल दिए। अब हम इसमें आर्मेचर, और दोस्तों इसमें एक बात बहुत विशेष ध्यान रखने की होती है, इसमें नीचे एक गोली होती है, उस गोली को आप ध्यान से रखें, क्योंकि ये गोली अगर इसमें नहीं होगी तो आर्मेचर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, चलेगा नहीं स्मूथली, इसलिए गोली का आप विशेष ध्यान रखें। ये पहले हम इसमें गोली डाल देंगे, ये गोली डाल दी है। अब इसमें आर्मेचर लगाएंगे, ये नया आर्मेचर है, इस आर्मेचर को फिट करेंगे। और आर्मेचर की सेटिंग कैसे करते हैं तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, देखिए इसमें जो बार्शल हैं वो निकाल लें आप, और ये बार्शल आप नया जो आर्मेचर है उसमें डाल दें, क्योंकि बार्शल अगर नहीं डालेंगे तो उसमें गैप रहेगा, गैप रहेगा तो आर्मेचर ऊपर नीचे चलते पे मूवमेंट करेगा, इससे आर्मेचर ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, न्यू विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि हमारा चैनल है आकाश टेक्निकल, आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे। ये देखिए, हमने बार्शल पुराने आर्मेचर से निकाल के इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसका ऊपर की बुश प्लेट फिट करेंगे। ये बुश प्लेट लगाने के बाद इसमें बहुत जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये आर्मेचर हमने इसमें लगा दिया है, ये देखिए। अब इसमें नट लगाने के बाद आप इसको कैसे टाइट करेंगे ये भी एक समझने की बात है। देखिए, आर्मेचर में ये जो येलो कलर का जो आप फैन टाइप का दिख रहा है, इसमें दो कट्स होते हैं, निशान कट बने हुए होते हैं। आप इन दोनों नटों की तरफ को उस कट को मिलाएं, ताकि आपकी जो गोटी है 8 नंबर की गोटी से नट कसे जाएंगे वो गोटी आराम से लग जाए। ये कट है इसमें, ये देखिए हमने इसको घुमाया, ये इस टाइप के कट हैं, छेद होता है, कटे हुए होते हैं, ये दोनों तरफ कटिंग होती है, ये देखिए। अब आप फिर नट बिल्कुल आराम से इसमें गोटी लग सकती है, देखिए इसमें गोटी लग गई, 8 नंबर की टीपाना है, ये गोटी है, इससे आप नट को कसें, थोड़ा सा लूज उतर छोड़ दें, फिर इसको कसें बराबर से कसें, थोड़ा सा इसको कस दिया है बराबर से कसने में ये रहेगा कि आपका आर्मेचर आराम से सेट हो जाएगा, ज़्यादा इसमें आपको ठोका पीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान तरीके से आप आर्मेचर आराम से फिट कर सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ा सा ये जाम है तो इसको आप बिल्कुल फ्री करेंगे तभी ये पूरी तरह से वर्क करेगा।
हल्के हल्के आप इसकी जो कोर है उस पर चोट मार सकते हैं, लेकिन बुश प्लेट पे आप चोट ना मारें, क्योंकि बुश प्लेट एल्युमिनियम की होती है, वो टूट सकती है। और इसकी जो सेटिंग करने के लिए आपको, अब भी अगर जाम है तो आप इसमें जो पीछे नट होता है, आप इसको लूज करें, जहाँ पे गोली आपने डाली है वहाँ पर नट होता है, और आर्मेचर को आप देख लें प्रॉपर तरीके से कि ये कार्बन के पास ये आर्मेचर होना चाहिए। ऊपर नीचे अगर होएगा तो आपके कार्बन की वजह से वायर जो आर्मेचर की है वो टूट सकती है। देखिए हम इस नट को ढीला कर रहे हैं, इस नट को ढीला करके आप इसकी सेटिंग करें, क्योंकि इसमें आर्मेचर पर, तो ये आप देखिए इसमें जो कार्बन्स हैं, कार्बन प्लेट होती है, आप उसको उतना रखें आर्मेचर पे ताकि वो कार्बन आपके तार से कहीं ना टकराएं। और जब आप नट कर दें तो इसमें एक और नट होता है 11 नंबर का, आप उसको टाइट कर दें। उसके बाद आप धीरे धीरे दोनों साइड के जो पेंच हैं उनको टाइट कर लें प्रॉपर तरीके से, और आर्मेचर घुमा के देख लें, ये आर्मेचर बिल्कुल फ्री होना चाहिए। आर्मेचर अगर टाइट होगा तो मोटर लोड लेगी, और आर्मेचर और इसकी जो कॉयल फील्ड है वो फूकने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए आप बहुत आराम से इसकी पूरी सेटिंग कर लें, ताकि आपको मोटर में बिल्कुल स्मूथनेस होनी चाहिए चलने में, कहीं भी जाम पन उसमें मोटर में ना हो। देखिए अभी थोड़ा टाइट है, अभी हम हल्की सी इस पर चोट मारेंगे। ये देखिए हमने हल्का सा इसको चोट मारी है। इसकी सेटिंग बहुत आराम से करें, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर इसकी सेटिंग होगी, अब देखिए ये जो है इसमें बार्सल कुछ ज़्यादा पड़ गए हैं और ये जाम हो गई है, इसलिए अब इस नट को हमने थोड़ा सा और लूज करके टाइट करके हम देख लेंगे। जैसे भी सेटिंग होगी आप इसकी सेटिंग करें, और ये स्मूथली अगर घूम रहा है तो जो है सही है, हार्ड नहीं चलना चाहिए। ये देखिए पूरी सेटिंग इस मोटर की नट के द्वारा कर दी गई है। अब आप जो दो नट इसके थे उसको आप टाइट कर दें, ये पूरी फ्री एकदम इस कार में जो घूम रहा है। अब हम इसके कार्बन जो हमने निकाले थे वो लगाएंगे। कार्बन लगाने के बाद आपको चला के दिखाएंगे कि मोटर की स्पीड क्या है, कितनी फ्री मोटर चल रही है, कितने इसके एम्पियर हैं, ये सारी चीज़ देखने की आवश्यकता होती है। ये हमने इसके दोनों कार्बन लगा दिए हैं, और ये बिल्कुल इस समय मोटर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको चला के देखते हैं, ये बजाज की मिक्सी में होती है ये मोटर, पैनस्टार की मोटर्स होती हैं, और इनकी स्पीड हाई स्पीड काफ़ी हाई स्पीड होती है। देखिए अब हम मोटर को चला के आपको दिखाते हैं इसकी क्या स्पीड है, और ये स्मूथली चल रही है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसमें हम पूरी जानकारी आपको का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आर्मेचर फिट करने का जो आसान तरीका है वो यही है। जैसे कि हमने पहले इसको सीरीज में लगाया, सीरीज में जो है लाइट जल गई है, अब हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से इसमें आर्मेचर फिट हो गया है, बहुत स्मूथली घूम रही है मोटर। आप इस तरह से किसी भी मिक्सर मोटर में आर्मेचर लगा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन तरीके से घूम रही है मोटर।
अब हम आपको मिक्सी में इसको उसकी बॉडी में फिट करके दिखाते हैं, इसको चला के। ये इसकी बॉडी है, ये इसमें तीन पेंच होते हैं ऊपर, ये आपको इसमें फिट करके पूरी मिक्सी में मोटर फिट करके आपको दिखाते हैं इसकी स्पीड। ये देखिए, अब उसकी थोड़ी अंदर से सफाई कर देते हैं ताकि अंदर इसमें कोई कचरा वचरा ना जाए। और इस तरह से आप आसानी से आर्मेचर फिट कर सकते हैं। ये इसकी रबड़ होती है, रबड़ लगाना भी बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इसकी सेटिंग्स होती है। यदि आप इसको नहीं लगाएंगे तो जो आर्मेचर की शाफ्ट है वो ऊपर को चली जाएगी, और फिर जब आप कपलिंग इसमें लगाएंगे तो गिलास जो जग है इसका वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा। इसके पेंच हैं, पेंच के हिसाब से आप, ये तीन छेद इसमें हैं, उस हिसाब से आपको ये मोटर मिक्सी में फिट करनी है। तो देखिए, हमने तीनों इसके छेद मिला के इसमें हम पेंच लगाते हैं। पूरी जानकारी हम आपको मिक्सर मोटर में किस तरीके से आर्मेचर बदल सकते हैं उसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, और हमारे चैनल पे विजिट करें। आकाश टेक्निकल नाम से हमारा चैनल है और मैं हूँ आकाश राठौर। हम इसी तरह की अपने चैनल पे कूलर मोटर, मिक्सर मोटर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन आदि की वीडियो लाते हैं, अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने इसके तीनों पेंच मोटर के हैं वो फिट कर दिए हैं। ये देखिए, तीनों पेंच इसके लगा दिए हैं प्रॉपर तरीके से। आप इसको बराबर बराबर से टाइट करें ताकि इसका बैलेंस रहे, ऊंचा नीचा ना हो। ऊँची नीचे अगर ये मोटर लगेगी तो फिर जो कपलिंग ऊपर आप लगाएंगे उसमें टेढ़ापन रहेगा और वो कपलिंग बार बार घिसेगी। इसलिए हमने इसके तीनों पेज बराबर से कस दिए हैं। ये तीनों पेज बराबर से कसे, देखिए पूरी कंप्लीट ही हो गई है। अब इसके हम कनेक्शन दिखाते हैं आपको कैसे इसके कनेक्शन करने चाहिए। देखिए, इसमें ये तीन स्पीड हैं, वाइट, येलो और रेड इसकी स्पीड्स हैं, और ये इसकी ब्लैक मेन मोटर की वायर है। ये रूटरी में एक लीड की तार लगी है। हमने देखी एक स्पीड वाइट स्पीड रूटरी पे लगाई, दूसरी स्पीड येलो स्पीड है, ये हमने पॉइंट टू पे लगाई। इसी तरह से तीनों स्पीड लगा देंगे। ये इसकी तीसरी स्पीड रेड कलर में है इसकी स्पीड की जो वायर है, ये तीनों रूटरी पे लगा दिए हैं। और जो इसकी मेन मोटर की वायर है ये हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप दो वायर बचती हैं, एक मेन लीड की वायर और एक मेन मोटर की वायर। ये दोनों कहाँ पर लगनी है भी अब आपको दिखाते हैं। जो मिक्सी का थर्मोस्टेट होता है उसमें इन वायरों को लगाना है। एक मेन इसकी लीड की रूटरी पाई जाती है और बाकी ये दो
जो वायर बची है, एक मोटर की मेन वायर और एक मेन लीड की, ये देखिए थर्मोस्टेट है इसका, मेन लीड की वायर इसमें एक लगा दी ब्लैक कलर की, और दूसरी मोटर की वायर जो मेन वायर है मिक्सर मोटर की, ये ब्लैक कलर में, ये भी ब्लैक कलर में है, ये हम इसमें लगा दिया है इसको। ये देखिए, अब हम आपको इसको चला के दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस हमने आपको मिक्सर मोटर का इस वीडियो के माध्यम से बताया है, जानकारी दी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और दोस्तों से शेयर करना। ये देखिए, अब हम इसके ये तीनों पेच लगा देंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये वर्क किस तरह से करती है। हाई स्पीड में मोटर है ये, मिक्सर मोटर में कैसे आर्मेचर को चेंज करें, फुल वीडियो हमने इस पर बनाई है। एक एक स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हमने तीनों पेच इसके लगा दिए हैं ढक्कन के, ये कैन स्टार की मोटर थी जिसमें आर्मेचर को किस तरह से बदल सकते हैं आसानी से, ये सारी जानकारी आपको दी है। देखिए, अब आपको ये इसमें जो कपलिंग है वो ठुकमा कपलिंग लगती है, इसमें चूड़ी नहीं होती है। देखिए, ये मोटर घूम रही है, दिख रहा होगा आपको। अभी हम इसमें कपलिंग लगाएंगे, फिर आपको आसानी से दिख जाएगा। वैसे तो देखिए, अभी ये देखिए प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, ये स्मूथली चल रही है। ये थोड़ा सा हमने इसमें तेल ऑयल डाल दिया है ताकि बुश फ्री रहे। अब इसमें कपलिंग लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे। इसमें ठुकमा कपलिंग है, इसको हम कोई भी शाफ्ट रख के ऊपर से चोट मारेंगे और वो इसमें ये पेंच के तीन कवर होते हैं, ये भी लगाना ज़रूरी है, वरना कई बार जब लीक होता है जब, तो उससे पानी निकलता है और ये पेंच जंग खा जाते हैं। तो कभी मोटर बदलनी हो या आर्मेचर बदलना हो तो पेंच खुलने में दिक्कत करते हैं। ये इसकी कपलिंग है ठुकमा, इसको आप खांचा होता है, इसमें खांचे के हिसाब से इसको रखें, ऊपर से शाफ्ट रख के हैमर की सहायता से आप इसको ठोंक दें। इसमें चूड़ी नहीं होती है, इसमें कसने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इस टाइप से रख के आप हथौड़ी से ठोंक दें। देखिए, हमने इसको ठोंक दिया है, अब हम आपको चला के दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से मिक्सी तैयार हो चुकी है। अभी हम आपको इसका जग जो है, क्योंकि इसकी ये कपलिंग पिघल गई है, इसको बदल के ये जग लगा के आपको चला के दिखाते हैं। ये कपलिंग इसकी इसमें चिपकी हुई है, पेचकस के माध्यम से इसको निकाल दिया। इसमें एक नट होता है, ये नट देखिए इसी में रह गया, इस नट को आप पहले खोल लें। पीछे से आप कपड़े से पकड़ लें ब्लेड, और इसकी उल्टी चूड़ी होती है, इसको उल्टी तरफ से आप खोलें। ये देखिए खुल गई है, ये नट है इसका, दो सूत की कपलिंग होती है, ये दो सूत का नट होता है, ये उस कपलिंग में ही नट होता है। अब हम नई कपलिंग इसमें लगाएंगे। ये देखिए, नई कपलिंग हमने इसमें फिट कर दी है। अब आपको मिक्सी में रख कर चला कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने मिक्सी में इसमें फिट कर दिया है, अब हम इसमें करंट देते हैं, चलाते हैं इसको और आपको दिखाएंगे। इसकी स्पीड भी बहुत शानदार है, बहुत तेज़ स्पीड है। ये देखिए,
ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है ये मोटर। इस तरह से आप आर्मेचर बदल सकते हैं। आर्मेचर बदलने का बहुत आसान तरीका स्टेप बाय स्टेप हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को आकाश टेक्निकल के नाम से चैनल है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।